एबीपीएस न्यूज़। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बदायूं के ब्लॉक बिसोली में स्थित पप गांव पड़ा। लगभग 4000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 14 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान हाशिया हैं। लगभग 1480 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में वर्तमान समय में लगभग 329 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव की प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 320 बच्चे अध्ययनरत हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 35 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से 2 हैंडपंप को वर्तमान प्रधान द्वारा रिबोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 60 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। इसी के साथ वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में 900 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, विद्यालय में मरम्मत कार्य व पानी निकासी के लिए नाली का भी निर्माण कराया गया है। वहीं वर्तमान प्रधान के देखरेख में गाँव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए वर्तमान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, रेलवे स्टेशन का रोड, बैंक, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं प्रधान पुत्र ग्राम पंचायत पपगाँव विकास खंड बिसौली से हूँ और मैंने अपनी ग्राम पंचायत में लगभग जितना भी पैसा मेरे लिए अब तक प्राप्त हुआ मैंने उसे सब जो है लगा चुका हूँ ईमानदारी से। और मेरे ग्राम पंचायत में लगभग पैसा बहुत कम आ रहा है, मेरी जैसे पॉपुलेशन है उसके हिसाब से बाकी कम पैसा आ रहा है। उसके बावजूद भी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में विकास करा दिया और अभी भी मेरे गाँव में लगभग बहुत सारी समस्याएँ हैं जो अपने में पूरी नहीं करा पा रहे हैं। मुझे उसमें सरकार की आवश्यकता बहुत कंपलसरी है, जैसे कि बारात घर और क्या नाम है ईदगाह में, कब्रिस्तान में बाउंड्री वाल, स्कूल में बाउंड्री वाल, खेल का मैदान, ये सारी समस्याएं हैं। और एक दूसरा किसानों के लिए बहुत समस्या है क्योंकि मेरे गांव के नाम से एक गोदाम है जो जरारे में चल रहा है। अगर वो गोदाम ना आकर उसकी अगर एक शाखा यहाँ पर खोल दिया है तो किसानों को बहुत सहूलियत हो जाएगी। मैं सरकार चाहता हूँ कि उसकी शाखा एक मेरे यहाँ पर बना दिया जाए जिससे कि किसानों की परेशानी को दूर हो जाए। और कुछ एक सीसी है वो जो कि ना मैं उसे पूरा नहीं करा, मेरे लगभग मेरे बजट से बाहर है वो, अगर वो सही भी अगर करा दिया जाए सरकार द्वारा तो बहुत ही वो जहाँ पर निकलने वो लोग ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कत है, बरसात में वो पानी भर जाता है जिससे कि ग्रामीण बहुत परेशान है।